हेलो हाय नमस्कार शालिनी बंदी का नाम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट विद आलोक आज क्या है आज है पच्चीस जनवरी और आज के दिन हम मनाते हैं क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस वैसे आज के दिन ही दिन ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जाना ज़रूरी है इसलिए तो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करेंगे पूरी जानकारी के बारे में आगे आइए मतदाता दिवस जैसा कि मैंने पहले बताया कि 25 जनवरी को मतलब आज के ही दिन हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी शुरुआत किसने की थी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आगे 18 साल ये आप सभी जानते होंगे लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि 18 साल अगर आप हो जाते हैं तो आपको मतदान देने का वैधानिक संवैधानिक अधिकार मिल जाता है बेसिकली वैधानिक अधिकार आपको मिलता है ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है अठारह साल के या अठारह साल से ऊपर हैं आपको मतदाता बनने का पूरा पूरा अधिकार है आप अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्टर करवा सकते हैं उसके बाद आपको एक वोटर आई कार्ड मिल जाएगी और फिर आप मतदान देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मतदाता की तो मतदाता का व्यवहार होता है व्यवहार मतलब क्या है एक्सटर्नल अफेयर जो है क्या क्या चीजें हैं जो एक मतदाता को इफेक्ट कर सकती हैं या करती हैं जितने पास्ट के सिनेरियो देखे गए हैं उसी के बेसिस पे ये बात की जा रही है जैसे मतदाता व्यवहार की अगर आप बात करेंगे तो मतदाता व्यवहार एक अध्ययन के अंदर आता है मतलब ये स्टेफोलॉजी के अंतर्गत इसके बारे में बात की जाती है जिसका मतलब होता है चुनाव विश्लेषण जो कि राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है हैजी जिसके अंतर्गत आप मतदाता व्यवहार के बारे में जान सकते हैं क्या क्या चीजें मतदाताओं को इफेक्ट करती हैं क्या क्या चीजें रेगुलेट करती हैं क्या आपके अधिकार हैं और क्या आपको पता होना चाहिए सारी चीजें बेसिक चीजें जो हैं वो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगी आगे बात करते हैं मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं मतलब कई चीजें होती हैं जो मतदाता को प्रभाव डालती हैं मतदाता के ऊपर जैसे देखिए जाति धर्म भाषा पहले हम जाति और धर्म की बात करेंगे आप यूपी बिहार झारखंड का इलेक्शन अगर देखेंगे तो उसमें जाति और धर्म पर बहुत ज्यादा चुनाव लड़े जाते हैं हालांकि अगर नियम के हिसाब से देखेंगे तो जाति और धर्म के आधार पर हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते लेकिन खैर नियमों को तार तार करना कोई सीखे ही, का बोला जाए आगे भाषा क्षेत्र व्यक्तित्व भाषा की अगर बात करें अगर आप साउथ में देखें तो वहां पर लोग जाति धर्म से ज्यादा भाषा को लेकर अपनी ऑब्सेसिव है मतलब दे फील लाइक अगर अगर उनकी और आपकी भाषा मिलती जुलती है तो उनका मानना यह है कि फिर सामने वाला अगर उनकी भाषा का है तो दे कैन अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली मोर देन सतही तौर पर यह सच भी है अगर आप एक दूसरे की भाषा से अवगत हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक चीजें जो हैं आपकी सिमिलर होंगी है कि नहीं बेसिक एक क्षेत्र के आदमी की अगर आप देखिए तो एक तरह की जरूरतें होती है एक ही तरीके की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं आपको उनका सोचना सही भी है कि हमारी जरूरतों को ज्यादा समझेगा पूरी तरीके से नहीं कह सकते बट हाँ सतही तौर पर आप हाँ कह सकते हैं क्षेत्र जो है क्षेत्र भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कैसे जैसे जैसे फला व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है वो आधुनिक परिपेक्ष का है फला बढ़ा है ब्रिंगिंग उसकी आधुनिक है और पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर वो चुनाव लड़ रहा है वहां की भी जो जनता है वो यूथ है आधुनिक सोच रखती है अब क्या है ये कारक यहाँ पर इफेक्ट कर जाएगा क्षेत्रवाद वाला दूसरी तरह से भी इफेक्ट कर सकता है पर्टिकुलर सोचिए आप जो क्षेत्र के हैं जो बंदा चुनाव लड़ रहा है वो आपके ही क्षेत्र से आता है तब इसका फायदा उस इंसान को मिलेगा क्योंकि लोग उससे कहीं ना कहीं मिले होंगे उसके विचारों से अवगत होंगे लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ऑल अबाउट इमोशन कनेक्टिविटी अगर वो उससे कनेक्ट करेंगे तो, तो भले ही उसको कहीं आंशिक तौर पर नापसंद भी करते हो लेकिन वो फाइनली जाकर उसमो दे सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है आगे धन मतलब धन के बारे में क्या ही बात की जाए आप सभी जानते होंगे कि धन कितना ज़्यादा प्रभावी है इलेक्शन के पर्स्पेक्टिव से अगर देखा जाए मतलब आप कभी कभी तो आपको लगेगा कि मतलब पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान में आप न्यूजेस देखें तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिसे जो लोग होते हैं वो इलेक्शन के दौरान वोट देने जाते ही नहीं है बस ऐसे दिन भर चाय के पास टपरी पर बैठ जाएंगे और लंबी लंबी हाकेंगे देश में ऐसा होता ऐसे बदलाव होते तो फिर क्या बात होती लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होगा बंदा जाएगा नहीं तभी जाएगा कब जाएगा जब उसको सामने वाला इंसान उसके परिवार का है या उसके दोस्त में कोई है तब हो जाएगा तब पर भी दोस्त उसको तरह तरह के लालच देगा भैया वोट देने आ जाओगे हम चारपहिया भेजेंगे ठीक है और साथ ही साथ आपको बर्गर पिज्जा ये सब भी खिलाएंगे तब भैया एकदम शहनशाही बन के वोट देने जाते हैं ऐसा आपने आस देखा होगा

जो सरकार जो योजनाएं ला रही है क्या शिलान्यास कर रही है क्या रिन्यू कर रही है सब उसी बारे में बात होती हो रहती है सत्ता जो सत्ताधारी पार्टी की जो कवरेज होती है प्रिंट मीडिया फर्स्ट पेज में निकालता है और उससे क्या कहते हैं जो विरोधी पार्टी होती है वो भी छोटा सा लगा रहता है किनारे है कि नहीं आपको बहुत कम पता चलता है जब तक की बहुत बड़ा कोई दंगा फसाद ना हुआ हो स्पीच में भी देखिए जो सत्ताधारी पार्टी का बोलने वाला होता है बड़ी स्क्रीन पर उसको दिखाते हैं और जब हारा हुआ होता है छोटा सा बैठा रहा था बेचारा बोलने भी नहीं देते कभी कभी इसे ऑडियो म्यूट कर देते हैं और आगे देखिए अन्य कारक क्या होते हैं आयु आयु लिंग शिक्षा गुटबाजी दशा और मीडिया की भूमिका एक एक करके बात करेंगे आयु आयु आय। आय। के बारे में मैं पहले बता चुकी हूं अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए आपको लगता है पर्टिकुलर क्षेत्र में जिस जगह पे वो खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए अगर ज्यादा लोग उसके एज के आसपास के आते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो उससे ज्यादा कनेक्ट करेंगे जिसे आपने देखा होगा जिस साल अखिलेश की गवर्नमेंट आई थी तो उस बहुत अच्छे से हमें जान जाएंगे कितना भर भर के वोट मिला था उनको भाई तो वो कहीं ना कहीं आयु का कारक उनके साथ जुड़ गया था यूथ होने का उनको फायदा मिला था क्योंकि हमारे देश में जो है यूथ की आबादी ज्यादा है आगे लिंग की बात करेंगे अब जैसे महिला है सामने वाली महिला है तो दीदी दीदी करके जितना कनेक्शन वहां होगा ना वहां पुरुष के साथ नहीं हो सकता है उनको भी लगेगा महिला को कि हमारी जरूरतें समझेंगी बहुत सारे महिला मुद्दे होते हैं जो अलग होते हैं देश में छेड़छाड़ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं महिलाओं के बहुत सारी सेंसिटिव टॉपिक ऐसी होती हैं जिसके बारे में एक महिला को ये लगता है कि वो, वो नहीं करेगी पुरुष से महिला से ही बताएगी जाके तो मतलब वो उनको लगता है कि दे कैन अंडरस्टैंड देम बेटर वे आगे देखते हैं शिक्षा की बात करेंगे शिक्षा बेहतरी बिल्कुल वैसा ही कारक है जैसे मैंने आधुनिकता का कारण बताया कि जैसे कोई इंसान यंग है आधुनिक है और उस क्षेत्र में जहाँ वो लड़ रहा है आबादी भी आधुनिक है यूथ है तो उसी तरीके से शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है शिक्षा का प्रभाव खैर दोनों जगह पड़ता है ये जो मैं कह रही हूँ वो गलत है जैसे दोनों जगह पे है अगर कोई इंसान कहीं पे कोई एरिया है जहाँ पे लोग इलिटरेट है मे भी अब कोई इंसान आया कहा भाई पढ़े लिखे हैं, के, तो वो ये बहुत ही अगर आप भारत में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो एक्सटर्नल अफेयर पे नहीं जाता वो तो बहुत बेसिक चीजों पे जाता है वो सोचेगा कि अच्छा भैया बहुत स्मार्ट है हमको भी स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे दो चार लुभाव वादे कर दीजिए वो आ जाएगा उसमें फिर क्या होगा कि वो शिक्षा भी इस तरीके से कारक बन सकती है उसको लगेगा कि भाई हमारी जो अपकमिंग जनरेशन उसके एजुकेशन में भी हेल्प करेगा गुटबाजी गुटबाजी बिल्कुल दल प्रदर्शन की तरीके से है गुड जैसे बेहतरीन जैसे कोई बंदा आप आ, खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे आप हिंदू का एग्जांपल ले लीजिए चाहे मुस्लिम सिख ईसाई जिसकी भी बात करिए कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से दल से बिलोंग करता है या नहीं भी बिलोंग करता है और वो दल उसके सपोर्ट में आ जाए तो बहुत बड़ा वोट बैंक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको वोट मिलेगा तो उसके नाम हो सकता है क्योंकि देखिए बेसिकली जो 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 चाहे आप फैक्टर अलग अलग होते हैं जो जो लड़ाई है इलेक्शन मतलब के समय आपको बहुत ज्यादा खुल के विचारधारा पता चलेगी जिससे हम हर घड़ी बात करते हैं जातिवाद हटाओ ये हटाओ वो हटाओ लेकिन फाइनली आप वोट देखिए यूपी बिहार का इलेक्शन जो डिसाइड होता है किस पे होता है जाति धर्म पे होता है ये सबको पता है अगर आप प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया कुछ भी फॉलो कर रहे हैं आपको पता है नहीं तो हमको आप लोग घर आने लगे जो देखते हैं वो बोलते हैं आ गया ये बसावट बसावट उसी तरीके से जैसे को कोई शहरी क्षेत्र है और कोई शहरी आदमी खड़ा हुआ है तो इंसान को लगेगा ये हमारी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकता है या गांव का जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा सूट बूट पहन के कोई चला गया है तो उसको लगेगा इनको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं अंग्रेजी भूकेंगे मतलब जो गांव का आदमी अगर गांव का ही खड़ा होगा आपके ही बीच को कोई होगा खैर लोकतांत्रिकता का मतलब भी यही है कि जो आपका नेता हो आपके बीच से निकल के आया आपको आपकी घनी जरूरतों को समझ सके मतलब वही है तो वो चीज बसावट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट चुनाव किस में देश के आर्थिक दशा और मीडिया की भूमिका चुनाव के समय जो देश की आर्थिक दशा है

आपको किस लिए लेके आए थे क्यों आप हैं क्या कर रहे हैं क्या करेंगे कोई मतलब नहीं है मतलब वो एक्सटर्नल अफेयर के बारे में तभी सोचेंगे जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फ्लुएंसली चल रही है इजी गोइंग है मतलब हर कोई इंसान जाहिर सी बात है वो चीज नहीं बिगड़नी चाहिए इंडिया में ही नहीं ये विदेशों में ही है अगर आप बेसिक जरूरतों के लिए जनता स्ट्रगल करने लगी फिर वो आपके एक्सटर्नल अफेयर वर्क को कभी नहीं देखेगी आगे मीडिया की भूमिका वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपने काम किया किसी को पता नहीं लगा आप कुछ नहीं हो सकता तो आपने क्या काम किया वो बेहतर ढंग से कैसे रिप्रेजेंट होके आपने जो काम किया वो कैसे बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करके वो जनता तक ले जाया गया ये बहुत जरूरी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है आगे हम बात करेंगे आपने किया कुछ और बता कुछ और दिया गया तो बस हो गया जैसे आपने कुछ भी किया आपका भाई जाके कुछ गलत बता दिया घर में बहन बहन कजिन या सिबलिंग कुछ कर देते ना जाके कुछ को कुछ कर देते हैं ट्विस्ट कर दिया गया अगर तो मतलब बदल जाता है फिर आपकी घनी कटाई होगी है आगे आइए चुनाव और मतदान में मीडिया की भूमिका मीडिया की भूमिका मैं बार बार कहती चली जा रही हूँ वैसे तो हर पर्स परस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इसका इफेक्ट लेकिन अगर चुनाव के प्रचार प्रसार में देखेंगे पिछले इलेक्शन आपने फॉलो किए हैं तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो गया और ज़्यादा अहम हो गया है खास करके जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे आ, समाज में प्रभावी होती जा रही है क्यों क्योंकि पहले क्या था कि एक अखबार आता था एक घर में कोई एक घर में पढ़ा लिखा लोग ज्यादा होता था और उनके यहाँ अखबार आता था फिर पूरा गांव बांट बांट के वही पढ़ता था कि भैया क्या अब पता नहीं टाइम ना निकल पाया नहीं पढ़े कोई बात नहीं लेकिन अब आप आपके मोबाइल में मोबाइल स्क्रीन पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है कि क्या खबर आ रही है क्या नहीं आप जो भी अखबार जो भी डिजिटल फॉलो कर रहे हैं अगर वो आ रही है तो आपको क्या है लगातार आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है गवर्नमेंट से कि कहा क्या चल रहा है अब आपको गुमराह करने के जो चांसेस है वो कम हो जा रही है जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग क्या कर रही है वो कुछ पता ही नहीं है आपको फिर गुमराह करना आसान हो जाता है फिर अचानक से आपको कोई आया फिर वही क्या भैया चलो हम तुमको बर्गर खिलाएंगे चौमिन खिलाएंगे ठीक है चरपहिया भेजेंगे ठीक है शादी में भी तुमको हम वो अच्छा खासा कपड़ा दिलवाएंगे मतलब ऐसे जो लुभावने वादे हैं, वो कर दिए गए तब उसमें फिसल सकते हैं लेकिन अब जब आप पूरे मैटर को जानते हैं कि अच्छा फला आदमी वादा ही किया था और बोल ऐसा रहा है तो आप हो सकता है कि ऐसा करें कि हाँ ठीक है चार भैया भेजना बर्गर भी खाएंगे चाउमिन भी खाएंगे लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी आंख इतनी ज्यादा बंद कर पाएंगे कि आप उस पर्टिकुलर शख्स को वोट देकर आएंगे आप अपने मतलब बर्गर भी खाएंगे और वोट भी देकर नहीं आएंगे तो इन सब वादों में नहीं आएंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपने क्षेत्रीय चुनाव में देखे भी होंगे मैं फिर भी बर्गर की बात कर रही हूँ आगे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आप खुद अगर ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में बता देती हूँ तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है एंड व्हिच इज नॉट गोइंग गुड फॉर माय मेंटल हेल्थ तो फिर आप खुद ऑब्जर्व करिए आगे आदर्श आचार संहिता व अन्य कानून आचार संहिता जो है न, 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 तथा तो अन्य कानून इसके बारे में भी प्रचार प्रसार जो करती है वो पूरी जिम्मेदारी मीडिया पर ही है आचार संहिता उल्लंघन संबंधी खबरों पर चुनाव आयोग उसी प्रकार संज्ञान में लेता है जैसे जैसे औपचारिक शिकायतों को आचार ली जाती है मतलब आचार संहिता व अन्य कानून अगर गवर्नमेंट कहीं रिपोर्टिंग कर देगी भैया सॉरी मीडिया कहीं रिपोर्टिंग कर देगी भैया यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लग गई है लेकिन फला आदमी माइक पे खड़ा होकर वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा है हमको चुनाव वोट दो और क्यों दो इस तरीके की अगर हुई है और से सीरियसली लेता है औपचारिक को, को पर लेता है आके आचार संहिता और चुनाव कानून के प्रति राजनेता राजनीतिक कार्यकर्ता मतदाता को जागरूक करना मीडिया की जिम्मेदारी है मतलब आचार संहिता में सभी आ जाएंगे ना सिर्फ मतदाता राजनेता राजनेता के भी अपने मतदाता मतदान करने के अधिकार होते हैं राजनेता खुद किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बाकी मतदाता सबको आचार संहिता का मतलब भान होना चाहिए पता होना चाहिए कि भैया अब आचार संहिता हो गई है तो अब हम किसी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते आगे नहीं तो लुभावने वादे करके भी भड़काया जा सकता है और ये पर्टिकुलर सही भी है क्षेत्रीय चुनाव में ये बहुत ज्यादा होता है कि रातों रात, रात लुभावने वादे दे के ठीक है तुम उनको वोट दो पांच सौ रुपया देंगे चलो <laughs> तो ये सब चीजें बेसिकली ये चीजें उन पर प्रभावी हो जाती है जो बेचारे मासूम होते हैं इलिटरेट होते हैं कुछ नहीं जानते उनको तो उनसे अपने रोटी से मतलब है कि हम आज दिन भर कमाए रात को खा लिया वो खुश हो जाते हैं उनके लिए पांच सौ रुपया दे दो क्या सोचेंगे दो दिन का खाना हो जाएगा बात खत्म उनको नहीं मतलब है तो ये सब चीजें इसीलिए प्रतिबंधित की गई है क्योंकि वो मासूम है चुनाव आयोग या बाकी लोग जो है वो स्मार्ट है तो ये खबर ये नियम का जो पालन करना वो बहुत जरूरी है आचार संहिता क्या होती है आचार संहिता लगभग हम सभी जानते होते हैं क्या है लेकिन लिटरल मीनिंग क्या है मैं वो समझा देती हूँ निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाता है जिनको आचार संहिता कहते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है आगे चुनाव तारी की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में राज्य में लग जाती है मतलब अगर तारीख आ गई कि फला डेट को चुनाव होने वाला है मतलब आचार संहिता लग गई है और वोटों की गिनती संपन्न होने तक जब तक वोट गिनती नहीं हो जाती लोग डिक्लेयर नहीं हो जाता कि विनिंग पार्टी तब तक ये आचार संहिता लगी रहती है मतलब कुल मिला के प्रचार प्रसार पर रोक लगी रहती है ना भागो भाई आचार संहिता के नियम सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा सार्वजनिक धन मतलब जो आप टैक्स पे करते हैं वो भी सार्वजनिक धन है अगर उसका इस्तेमाल कोई भी पार्टी आपको आ, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान कर रही है उस धन का इस्तेमाल जो कि बिल्कुल सही नहीं माना जाता है ये नियम के विरुद्ध है या आचार संहिता के नियम में से एक है सबसे बड़ा सरकारी गाड़ी सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाता तो मतलब आप सरकारी गाड़ियां नहीं देखते जितनी है प्राइवेट रैलियां जाती हैं है, से माला वाला पहन के <laughs> तो गले तक तो वो जो है आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं लगा कर सकते किसी मतलब अपने प्रचार के लिए सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी तरह की सरकारी घोषणा लोकार्पण और शिलान्यास इत्यादि नहीं होगा मतलब सरकारी घोषणा आप कोई घोषणा आप कर दें जो जनता के लिए लुभावनी प्रतीत हो टेम्परेरी तो वो भी आप नहीं कर सकते दूसरी लोकार्पण नहीं कर सकते क्यों क्योंकि तो ये सब इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे जनता कलेक्ट होती है अब कलेक्ट होती है आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं दंगा हो सकता है ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें जब आचार संहिता लग जाती है तो बंद हो जाती है आगे किसी भी राजनीतिक दल प्रत्याशी राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके क्षेत्र के बारे में आपका नेता तो जानता ही है नेता सब जानता है लेकिन क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड अगर आपको जानना है तो कायदे से आपको जो पता चलती है वो पुलिस से ही पता चलती है पुलिस बहुत बेहतर जानते रहते हैं कि हाँ, वो बात तो बोले ना लेकिन उसको पता होता है हिस्ट्री जो बहुत जरूरी होती है जानना इसीलिए क्योंकि अगर आप हिस्ट्री जानते हैं ना तो किसी की फितरत तो रातों रात नहीं बदल जाती पुलिस जानती रहती है कि फला जो एरिया है यहाँ पर फला फला आदमी डाकू है आदमी बहुत ज़्यादा रोप में रहता है तो उसको पता होता है कि अच्छा ये आदमी जो है है, पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना हाँ, आपका हाव भाव आपका व्यवहार और जगह प्रवृत्ति सब जान के वो अनुमति देने का काम करती है चुनावी रैलियों में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं माने मांगे जाएंगे हाँ 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 मतलब कैसे नियम आचार संहिता में चुनावी रैलियों में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं माने जाएंगे मांगे जाएंगे क्या कहें आप मतलब नियम का तार तार होना इसे ही कहते हैं कहते हैं जैसे कि अगर आप अपना पूरा नाम देंगे कि मेरा नाम फला ये सरनेम है क्या अब कुछ बताने की जरूरत है आपके धर्म और जाति के बारे में है नहीं धर्म और जाति के हिसाब से ही आपके नाम है अगर आपका नाम बताते हैं तो कनेक्शन इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि जो पब्लिक है वो खुद जान जाएगी फल आदमी ने सरनेम ये लिया है अच्छा हमारी बिरादरी का है हमारे चाचा के भतीजा है और ये जो है हमारा जो नौकरी लगवा देगा अच्छा जो भी आपका एजेंडा हो हम्म ठेका हमको दिलवा देगा इस बार तो ये जो है आप अपने आप कनेक्ट कर लेंगे उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी बोलेगा ही नहीं जानता है बोलेगा नहीं बाकी सब करेगा कि आप जान जाएंगे कि वो उसी आप ही की जाति का है तो आचार संहिता के हिसाब से चुनावी रैलियों में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे क्या कह सकते हैं मीडिया को भी चुनाव का पालन करना पड़ता है मीडिया को भी चुनावी इसमें गलत दिया गया है चुनावी नियम होना चाहिए मतलब मीडिया को भी कुछ नियम है जिसको फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे करेक्शन है माफ कीजिएगा जैसे प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस की धारा 126 यह एग्जिट पोल तथा उनके परिणामों के प्रसार का प्रथम चरण के चुनाव शुरुआत चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के आधा घंटा बाद तक तो की अवधि पर रोक लगाता है सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह नियम है क्या है ये जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जन प्रति मतलब ये जो तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन धारा एक के तहत तो चुनाव के दौरान किसी भी तरीके के एग्जिट पोल नहीं आएंगे जो भी होगा मतलब जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है हो रहा है उसके आधे घंटे पहले और जो लास्ट चुनाव होगा उसके आधे घंटे बाद तक आप किसी तरीके का प्रोडिक्शन नहीं दिखा सकते हैं किसी भी के, के भी थ्रू किस उससे दंगे होने के चांसेस हैं सपोज फला हम सो, सोच रहे हैं बहुत एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि हमारा ये नेता जीतेगा वो जीत ही नहीं रहे हैं फ्रस्टेड हो जाए कुछ कुछ कर दें तो ये सब कारनामे आप नहीं कर सकते हैं आगे ये मीडिया के लिए नियम बनाए गए हैं कि आप जो है इस तरीके की मतलब एग्जिट पोल टाइप का जो दिखाने लगते हैं तो वो काउंटिंग के वक्त दिखा आ, सकते हैं आप चुनाव के दौरान इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हैं आगे जनप्रतिनिधित्व तो अधिनियम उन्नीस की धारा एक ए यह चुनाव चुनावी सामग्री के सिन, सिनेमेटोग्राफी टेलीविजन या अन्य ऐसे उपकरणों के माध्यम से चुनाव संपन्न होने के 46 घंटों के अंदर प्रदर्शित करने को रोकती है मतलब कोई भी प्रचार प्रसार जो है वो छियालीस घंटों के अंदर कहीं कहीं अड़तालीस भी लिखा मैंने देखा है बट uh, मैंने छियालीस लिया छियालीस घंटों uh, के अंदर प्रदर्शित करने पर रोकती है मतलब किसी भी तरीके का जैसे जो हर घड़ी प्रचार चलता रहता है आप प्रिंट में देखे होंगे आपने टेलीविजन में देखा होगा प्रचार आता है तो इस तरीके के जो प्रचार चलते हैं इन पर भी छियालीस घंटे पहले ही रोक लग जाती है कोई भी मीडिया इसको नहीं चला सकता किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में किसी भी फॉर्म में नहीं चला सकता आगे uh, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस Uh, उन्नीस सौ इक्यावन धारा एक सौ ए चुनाव संबंधी पैम्पलेट पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि इसके द्वारा शामिल होता है जिसके अंतर्गत ऐसी मुद्रित सामग्री एवं मुद्रक एवं प्रकाशन का नाम नहीं पता मुद्रित होगा मतलब जो पैम्पलेट छपते होंगे आपने देखा है बड़े बड़े बैनर छपते हैं तो उसमें प्रकाश यही नहीं, नहीं जानकारी सिर्फ उस नेता की ही नहीं होगी जो खड़ा हुआ है प्रकाशन की भी जानकारी होगी पूरी तरह की ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखने के लिए ये बोला गया है आगे हम बात करते हैं क्योंकि मतदाता दिवस है तो हम जरूर देखेंगे कि हम कितने जागरूक हैं हमने अब तक के चुनाव में कैसे किया है कुछ हालिया चुनाव के मैंने डेटा लिए हैं जो अभी अभी हुए हैं जैसे बिहार चुनाव में सत्तावन परसेंट वोटिंग हुई थी ये एक एवरेज वोटिंग ग्राफ है ओवरऑल एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है मैंने जो तो सत्तावन परसेंट वोटिंग है हरियाणा में सिक्सटी परसेंट वोटिंग हुई थी ग्रेट महाराष्ट्र में फिफ्टी नाइन परसेंट वोटिंग दिल्ली में सिक्सटी 2.59% वोटिंग हुई थी बिहार कलेक्शन 2020 में हुआ था हरियाणा 2019 महाराष्ट्र 2019 दिल्ली 2020 अभी 2021 तो शुरुआत ही है लोकसभा चुनाव 2019 में देखिए 2014 के मुकाबले ज्यादा है 2014 में 66.44% और 2019 में बढ़ के 67.11% हो गया है तो अब इफ इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ वोटिंग परसेंटेज तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि एक मतदाता ही है जो दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है वो अपना क्योंकि एक सबका एक मैनिफेस्टो होता है कि हम इस बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी पार्टी को आप किस विचारधारा को फॉलो करके ये दे रहे हैं आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप मैनिफेस्टो का ध्यान रखकर ही वोट करें कि आपके चुनाव मुद्दों में क्या शामिल है वो चीज़ जैसे चुनावी मुद्दों का बहुत ज्यादा बात अभी हमने देखा बिहार इलेक्शन में हुई कैसे उन्होंने रोजगार देने की बात कही तेजस्वी यादव ने और कितना ज्यादा भले वो जीते नहीं लेकिन आई मस्त है कि जिस हिसाब से उनका अटेम्प था और वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय आप मान के चलिए बहुत ही अच्छा था लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस चीज की कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है उन्होंने बेरोजगारी का नाम लिया लोगों ने वोट दिया जितना ना जितना अलग चीज है वो आगे अभी उम्र भी कम है उनकी आ, उसके बाद ही आपने देखा था कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस वक्त बिहार में उसने भी फिर बाद में इस चीज को अनएम्प्लॉयमेंट की जो है चाह देखते हुए उसने भी इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया तो आप देखिए आप इसीलिए मैनिफेस्टो को जरूर देखिए जाति धर्म से ज्यादा जो आप उस प्रायोरिटी दीजिए मैनिफेस्टो को दीजिए कि हमको इस समय क्या जरूरत है तो उनको भी समझ में आएगा कि क्या चीजें हमें शामिल करना चाहिए आपसे हट के नहीं रह सकते बस आप अवेयर रहिए बस दाता से हट के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जरूरत क्या है अवेयरनेस की वो काम मीडिया के थ्रू करिए आप खुद भी थोड़ा सर्च मारिए जरूरी नहीं वो जो अपनी इच्छा से खबर दिखा रहे हैं वही आपके काम की अगर आपको लगता है कि इस फील्ड पे क्या काम किया है गवर्नमेंट ने आप पर्टिकुलर आप सर्च करिए फिर वोट देने जाइए देखिए चमत्कार क्या होता है आगे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल लॉन्च e-epic स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक electoral फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसकी शुरुआत आज से की जा रही है आज जो है क्योंकि ग्यारहवा मतदाता दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन क्या किया जाए आपको जो मिल रही है उसे क्या कहते हैं अच्छी चीज एक उपहार के तौर पे मानिए जैसे मुझे भी बहुत दिक्कत होती है अपना वोटर आईडी कार्ड खो गया कहाँ डाउनलोड करना है क्या करना है तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तो ई e एपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपको क्या है पीडीएफ e मतलब के फॉर्म में, uh, में जिसको आप कहीं से भी अपने मतलब फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं तो एपिक फॉर्म वोटर टोटल कैसे यू कैन डाउनलोड ई एपिक फ्रोम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और एनवीएसपी के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं ये कुछ गलत लिखा हुआ है मतलब यू कैन डाउनलोड ई एपिक फ्रॉम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और एन वी एस पी यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनली आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के के बारे में जितनी जानकारी हम कलेक्ट कर सकते थे वो लेके आए अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कुछ कुछ कंटेंट हमने लिए हैं आप लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की आप उसके लिए जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरत होती है एक मतदाता को जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते थे हमने किया तो मुझे देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं नई टॉपिक के साथ बाय टेक केयर